हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी पार्ट फोर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का हो जाता है और कौन सी राशि में नीच का हो जाता है। सबसे पहले आते हैं सूर्य पे। एक नंबर में उच्च का होता है, सात नंबर में नीच का होता है। सिमिलरली मैंने सबका दे रखा है, आप कॉपी कर सकते हैं सारे ग्रहों का। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कुंडलियाँ देख रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह नीच का होगा वो बुरे फल देगा और जो उच्च का होगा वो बेहतरीन फल देगा। उसके जिस घर में वो बैठा है उस घर से रिलेटेड वो अच्छे फल देगा। बात करते हैं यहाँ पर कि आप यह देखेंगे कि सूर्य और शनि एकदम उल्टे हैं। हालांकि वो बाप बेटे हैं लेकिन सूर्य एक नंबर में उच्च का हो रहा है, सात नंबर में नीच का। शनि देखिए सात नंबर में उच्च का, एक नंबर में नीच का। यहाँ बुध पे भी अगर गौर फरमाएं तो बुध अपनी ही राशि में उच्च का हो जाता है और स्वग्रही हो जाता है और सब और सामने वाले घर में यानी बारह नंबर घर में नीच का हो जाता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी पार्ट फोर। हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी पार्ट फाइव में हम दृष्टियाँ देखेंगे कि सूर्य की कौन सी दृष्टि होती है, शनि की कौन सी होती है, मंगल गुरु है ना, शनि मंगल गुरु को तीन दृष्टि प्रदान की गई है। तो हम पार्ट फाइव में देखेंगे। या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ओके गाइज, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।